जय शिंदे फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज, जिसमें कि हमारी एक यूट्यूब फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि सूट में जो हमारी आस्तीन लगाना सिखाइए। तो फ्रेंड्स, उसी पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आस्तीन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दो तरह से जो हमारी बाजू हैं हम उनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो होती हैं गोल बाजू और दूसरी होती है हमारी खुली बाजू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली जो आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई आती है और ये यहाँ से गोल आती है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं गोल बाजू। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर का जो बाजू का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होके लगता है और नीचे जो सूट वाला कपड़ा है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है इस तरह से, और ये बिल्कुल ना यहाँ पर गोल हो जाती हैं। और दूसरी होती हैं फ्रेंड्स हमारी खुली हुई बाजू। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये है ऊपर वाली आस्तीन है और नीचे हमारा सूट वाला कपड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो सिलाई आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो सिलाई होती है इनको बोलते हैं हम खुली बाजू। तो इनमें फ्रेंड्स हम यहाँ पर जब बाजू को सिलते हैं तो बाजू में यहाँ पर सिलाई नहीं लगाते हैं, जबकि जो गोल बाजू होती हैं उनको जब हम सूट में सिल रहे होते हैं तो फ्रेंड्स हम पहले ये वाली सिलाई लगा लेते हैं साइड की और तब हम ये बाजू सिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जो सूट है उसके आर्म होल का नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, वहाँ से ऊपर तक सिलाई तक हम नाप लेते हैं। तो ये हमारी 6.5 इंच होती है। तो हमारी फ्रेंड्स आर्म होल है 6.5 इंच, और अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बाजू कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये शेष कपड़ा है जो हमारा सूट का, इसमें से हम यहाँ पर बाजू कटिंग करेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड किया हुआ है और ये एक साइड से थोड़ा कम है, तो वहाँ से हम गुलाई लेंगे नीचे से। तो फ्रेंड्स, हमको बाजू लेनी है 15 इंच, और उसके लिए हम टोटल लेंगे 16.5 इंच। तो देखिए 16.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं। तो निशान हमने 16.5 इंच पर लगा लिया है, और फ्रेंड्स इधर की साइड से ही हम कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए, ये बंद साइड है और ये वाली हमारी खुली साइड है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जब हमारी बड़ी बाजू हम बनाते हैं तो उनके लिए हम 2.5 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ पर, और इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये निशान हमने सीधे कर लिए, और देखिए नाप लिया है इसको, तो 2.5 इंच है इनका गैप। अब फ्रेंड्स, हमने जो आर्म होल था हमारे 6.5 इंच, तो फ्रेंड्स 6.5 इंच हमको यहाँ ऊपर वाली साइड है जो इंच टेप का, इसको यहाँ ऊपर वाली साइड में लगाना है। और आप इसको खड़े करके भी इस तरह से नाप सकते हैं, और इस तरह से हम देखें 6.5 इंच नाप कर इसको यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर इसको देखिए, अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे, तो आप इसको 2 इंच भी ले सकते हैं 1.5 की जगह। और फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर इसको इस तरह से गुलाई देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से गुलाई देंगे और इसको यहाँ पर उसके बाद में कट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर जो हमारे एक साइड में पर्दे के, हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं। ये हमारे निशान है जो ये हमारे आगे वाले साइड में है पर्दे के, और इसको अब हम यहाँ पर आगे की तरफ से गुलाई पर निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर 4.5 इंच हमको गुलाई लेनी है आगे की, तो यहाँ पर 4.5, और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच लूजिंग लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग और जो हमारी सिलाई का निशान है दोनों पर रखकर निशान लगा दिए हैं, और जो हमने निशान लगाए थे आगे वाली साइड में तो उनको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, दो जो आगे वाली साइड के दोनों कपड़ों पर हमारी दोनों बाजू पर कटिंग हो चुकी है अब। और अब हम यहाँ पर बाजू लेंगे। तो देखिए बाजू को हमको एक, दोनों बाजू में से एक बाजू लेकर और उनके जो आगे की साइड है जो हमने कपड़ा लिया था 1 इंच, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद हमें उस तरह से सिलाई करनी है इस पर। और हम यहाँ एक ही सिलाई करते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा
कि आजकल जो मशीन से सिलाई करते हैं तो सिर्फ़ एक साइड अंदर की साइड वाली सिलाई ही होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी बाजू पर सिलाई करेंगे। और उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट नापा था 4.5 इंच का, उसको लेते हैं और नीचे से हमने यहाँ पर कट लगा लिया था वहाँ तक हम इसको सिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया था वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे इस तरह से। और ये हमारे कट तक हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है। तो देखिए हमें सूट में उसी तरह से देखना है, जो हमारी आगे की साइड हमने कट की थी वो आगे की तरफ ही लगानी है। तो देखिए जो कटिंग वाला ज़्यादा कटिंग वाला हिस्सा है वो आगे का है, तो यहाँ पर भी सूट में ये आगे वाला हिस्सा है। तो हम यहाँ पर इसको सेंटर से पकड़ते हैं और यहाँ पर इसको एक बार मेजर कर लेंगे सूट में लगाकर। तो देखिए ऊपर जहाँ सिलाई लगी हुई है वहाँ से रख के और इसको हम नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमको नापना है इसको। और देखिए यहाँ पर ये कट का निशान है, देखिए यहाँ पर सिलाई है, ये हमारी दूसरी सिलाई तक आ गई है। अब हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं और वहीं से सिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों हिस्सों को साथ साथ रखेंगे और एक पैर की सिलाई हम लगाते हुए जाएंगे इसमें। और जो हमारे ये सिलाई है ऊपर की, इसको हम रखते हैं पीछे की तरफ, तो हम इसको पकड़कर पीछे की तरफ कर लेंगे और इसको हम यहाँ जो हमारा कट था वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। अब तो देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए इसको हम सिल लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसे। तो हमारी ऊपर की साइड से बाजू हमारी लग चुकी है, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप इस तरह से लगाने की कोशिश करें इसको। तो ये हमारे देखिए ऊपर के और नीचे के कॉर्नर दोनों हैं, तो हम यहाँ नीचे के सूट को, जो हमारे सूट वाला कपड़ा है, उसको हम पीछे की तरफ मोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको सूट वाले कपड़े को और इसको इस तरह से ये ट्रायंगल साइड में इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो हमारे दोनों जो ऊपर और नीचे की साइड है ना, दोनों कपड़ों की अपोजिट साइड होती है। जैसे कि आप बाजू के कपड़े को आगे की तरफ फोल्ड करते हैं और सूट वाले कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से। और यहाँ पर इनको पकड़ते हुए और इस तरह से नीचे की साइड से गुलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये सिलाई मेरी लग चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू आपको दिख रही होंगी, ये साइड है हमारी इधर की साइड है और दूसरी देखिए इससे बिल्कुल अपोजिट पीछे की तरफ है। तो ये दोनों अपोजिट ही रहती हैं और इस तरह से हमारी ये बाजू लग चुकी है। और मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सीधा करने के बाद भी हमारी बाजू है जो इस तरह से नज़र आएगी। और जो हमारे ऊपर और नीचे यानी कि जो दोनों पार्ट हैं वो एक ही जगह सिलाई आएगी उनकी, देखिए इस तरह से एक ही जगह सिलाई आई है दोनों की। और फ्रेंड्स अब इसके बाद में मैं इसी सूट में आपको दूसरी तरह की बाजू, जो हमारी खुली बाजू है, उसको लगा के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमने बंद बाजू में तो साइड की सिलाई लगाई थी, पर खुली बाजू में हम साइड की सिलाई नहीं लगाएंगे इसमें। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सूट को लेते हैं और बाजू के सेंटर को पकड़ते हैं इस तरह से और इसको भी हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे सूट से सेंटर को पकड़ते हुए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर
सेंटर से लगाएंगे सूट में हम ये कपड़ा, जो सिलाई आई हुई है ना हमारी ऊपर की, वहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से हम यहाँ पर देखिए ये कट का निशान है जो यहाँ सिलाई तक आ चुका है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे सूट में हमने इस साइड की सिलाई लगाई थी इसको हम आधा इंच यहाँ पर खोल लेंगे। तो हमारी देखिए हमने यहाँ पर इसको खोल लिया है आधा इंच सिलाई को, और अब हम इनको कट से यहाँ पर सिलाई तक निशान मिलाते हुए और इन बाजू को हम यहाँ पर सिलेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने बाजू में सिलाई नहीं लगाई है साइड की, और इस तरह से यहाँ भी हमको एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इसको सिल लेंगे। और फ्रेंड्स वो चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे आगे की साइड आगे आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई है जो हमारी, ये हमारी जो ऊपर की सिलाई होती है ना मुड्ढे की, इसको हम पीछे की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ कर ली है वो सिलाई, और इसको इस तरह से हम यहाँ पर पूरी बाजू को सिल लेंगे। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से खुली हुई बाजू ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आपका जो नाप है फिगर का वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है तो उसमें आसानी से आप इसको लूज़ और टाइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर्दों को मिलाते हुए हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये सिलाई बहुत ही आसानी से लग जाती है हमारी खुली बाजू हैं जो। और अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे से पकड़ेंगे, और दूसरी बाजू में हमने जितना जहाँ पर सिलाई लगाई थी जैसे कि 4.5 इंच था तो वहाँ तक इसको हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं हम सिलाई लगाते हैं, पक्की कर लेते हैं इसको इस तरह से। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सिलाई का निशान, जो नीचे सूट के हिस्से में सिलाई का निशान है, वहाँ से हम इसको देखिए चौक से इस तरह से निशान लगा लेते हैं एक, और इस तरह से हमारी सिलाई लगानी और आसान हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे ये सिलाई है, यहाँ पर ये कपड़ा है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि बाजू की तरफ हम इसको रखेंगे इस तरह से। तो ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्सों में हम इसको बाजू की तरफ कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और बहुत ही आसानी से ये वाली बाजू तो बहुत ही आसान है लगाना, बहुत सिंपल है ये वाली बाजू लगाना। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हैं बाजू की। तो देखिए यहाँ पर हमारी बाजू सिल चुकी है, और इसको भी मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी अभी। तो देखिए ये हमारी दोनों बाजू हैं एक साथ, ये गोल वाली बाजू है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी गोल बाजू किस तरह से लगाई जाती है, और ये हमारी खुली हुई बाजू है, और इनका डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।